हेलो स्टूडेंट्स, हो आपका बुलबुल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है x माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू थ्री, और इसमें x इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब x की मतलब मान जीरो पुट नहीं करेंगे समीकरण में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के नीचे वन लगाकर इसका एलसीएम लेंगे। जब वन का डिवाइड जब हम x में करेंगे तो x बाहर जाएगा, x का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का जब डिवाइड हम x में करेंगे तो 1 बाहर जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 3। और हम अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका, जब 1 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 3x। अब हम 3 LHS में लेके आएंगे, माइनस वन बराबर जीरो। अब इसके हम गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करेंगे। तो इसके गुणनखंड से तो होंगे नहीं, अब द्विघाती सूत्र लाएंगे। तो सबसे पहले हम टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे। यहाँ से हम ए बी सी के मान फाइंड करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ ना हो तो हम वन मान के चलेंगे। तो ए इक्वल वन, बी इक्वल माइनस थ्री और सी इक्वल माइनस वन। ए बी सी के मान हमेशा हम जो चिन्ह दे रखे होंगे वही चिन्ह में लेंगे। अब हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। द्विघाती सूत्र एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a, x इजिकल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री, ऑलरेडी माइनस हमें दे रखा है तो कितनी हो जाएंगे प्लस के तीन, प्लस माइनस अंडरूड, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस तीन, माइनस थ्री का होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है वन, और c की वैल्यू कितनी है हमें माइनस वन अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें वन। एक्स इजिकल टू थ्री प्लस माइनस अंडरूट में माइनस थ्री का होल स्क्वायर होता है नाइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस के फोर अपॉन टू। तो एक्स इजिकल टू थ्री प्लस माइनस नाइन और फोर होंगे थर्टीन अपॉन टू, इसे हम अलग भी लिख सकते हैं, एक्स इजिकल टू थ्री प्लस थ्रीन अपॉन टू, और एक्स इजिकल टू एक्स माइनस सॉरी थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू। यही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। स्टूडेंट के समझ में नहीं आए वो कमेंट कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें।